आज सरिता किचन में दोस्तों राजमा का सब्जी बन रहा है। दोस्तों राजमा का सब्जी कैसे बनाया जाता है आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजमा का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, एकदम नए तरीके से, एक ढाबा स्टाइल से, कि आप एक बार बना लेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम 250 ग्राम राजमा लिए हैं, हम व्हाइट वाला राजमा लिए हैं दोस्तों। एक लाल भी होता है, एक चितकबरा बोला जाता है वो होता है, लेकिन ये इस सबसे स्वादिष्ट और पकने में भी अच्छी तरह से पकता है ये राजमा। इसे हम 10 घंटा के लिए हम पानी में भिंगो कर इसे 3 से 4 पानी से धो लिए हैं दोस्तों। आप चाहे तो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गर्म पानी में डालकर 2 घंटा भी भिंगो कर बना सकते हैं। 250 ग्राम है, देखिए फूल के, देखिए 300 से 400 ग्राम लग रहा है। इसे हम देखिए एक कुकर लिए हैं, इसमें हम पहले राजमा को डाल देंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी देखिए राजमा से ऊपर होना चाहिए, देखिए इतना ही पानी हम देंगे। इतना पानी देने से दोस्तों नीचे सटेगा भी नहीं, और इस पानी का यूज हम ग्रेवी बनाने में कर लेंगे। और देखिए एक चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। और एक चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों 1/2 इंच दालचीनी, एक बड़ी इलायची को हम मुँह खोल कर दिए हैं, एक छोटी इलायची डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों एक चम्मच हम घर का बना हम घी डाल रहे हैं। घी को डालने से दोस्तों जब इसको उबालिएगा तो इसका पानी बाहर नहीं आएगा और कुकर गंदा नहीं होगा। अब हम कुकर के ढक्कन को हम लगा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों गैस जला लिए हैं और कुकर को हम चढ़ा दिए हैं। इसमें हम 5 से 6 सीटी मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दिलाएंगे। जब तक राजमा उबल रहा है तब तक हम राजमा का सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम 2 बड़े साइज का देखिए टमाटर लिए हैं, टमाटर को हम पीस लेंगे दोस्तों। इसी में हम देखिए 2 हम लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और 2 हरी मिर्च भी हम डाल रहे हैं, इसे हम पीस लेंगे। देखिए दोस्तों टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट हम बना लिए हैं। इसी जार में देखिए हम 2 बड़े साइज का प्याज लिए हैं, इसे हम रफली पीसेंगे, महीन नहीं करेंगे, क्योंकि अधिक महीन कर दीजिएगा तो, क्योंकि अगर इस प्याज को अधिक महीन करिएगा तो आपको पकाने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए इसे हम रफली ही पीसेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से महीन और महीन काट कर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका ग्रेवी में उतना स्मूथनेस नहीं आएगा जितना कि हम पीस कर बनाएंगे उसमें आएगा। चलिए इसे भी हम पीस ले रहे हैं। देखिए दोस्तों प्याज को भी हम रफली पीस लिए, और ये देखिए 1 पोट लहसुन, 1 इंच अदरक लिए हैं, इसे हम कद्दूकस किए हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसका भी पेस्ट आप डाल सकते हैं। और ये टोमेटो, ये फ्रेश टोमेटो लिए हैं आप इसके जगह पर, अगर आपके पास फ्रेश टोमेटो नहीं है और टोमेटो प्यूरी है तो आप उसे भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोस्तों फ्रेश टोमेटो का ही बनाने का। देखिए दोस्तों 2 सीटी दिया है, अब हम गैस के फ्लेम को लो करके 2 सीटी और हम इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों 2 सीटी दे दिया है, अब गैस के फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो कर दिए हैं, गैस के फ्लेम को लो कर दिए हैं और 2 सीटी और हम लो फ्लेम पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों 4 से 5 सीटी दे दिया है, 2 सीटी हम मीडियम फ्लेम पर दिलाएं और 2 सीटी हम लो फ्लेम पर दिलाए हैं। इसके बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं दोस्तों, अब कुकर को हम ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों कुकर का सीटी निकल गया है, इसे और हम ठंडा होने दे रहे हैं।
देखिए सारा मसाला भी हम पीस लिए हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक। अब हम देखिए ढाबा स्टाइल राजमा बनाने के लिए दोस्तों हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। उसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल आप अपने अनुसार से डालिएगा, तेल बहुत अधिक खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। दिखाने के चक्कर में तेल अधिक खाना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने अनुसार से ही डालती हूँ जितना कि हम डेली में खाते हैं। देखिए तेल गर्म हो रहा है, देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है। इसमें 1 चम्मच जीरा और 6-7 पीस हम काली मिर्च डाल रहे हैं और 2 तेज़पत्ता भी हम डाल रहे हैं। आप खड़ा इलायची दालचीनी आप चाहे तो तड़का में भी डाल सकते हैं, हम उबालने में ही डाल दिए हैं दोस्तों। तड़का को हम जलने देंगे। देखिए दोस्तों तड़का जल गया है। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि लहसुन अदरक जो भी डालने के पहले हम इसमें हल्दी 1 चुटकी डाल रहे हैं, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे तो इसका खींचा तेल का बाहर नहीं आएगा दोस्तों। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों लहसुन फ्राई हो रहा है, अब हम इसमें अदरक को डाल रहे हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों लहसुन लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें प्याज को डाल रहे हैं। प्याज को हम देखिए 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए दोस्तों प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है, देखिए प्याज से तेल भी अलग होने लग गया है। अब हम इसमें देखिए टमाटर हरी मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट को हम डाल दे रहे हैं। इसमें देखिए 1 चम्मच हम जीरा गोल मिर्च का पाउडर दे रहे हैं और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल रहे हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसमें छोला मसाला या राजमा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आप घर के मसाला से भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर नहीं कभी बनाए हों तो एक बार मेरे तरीका से, अगर नहीं कभी बनाए होंगे दोस्तों तो आप एक बार मेरे तरीके से राजमा का छोला बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों और बहुत अधिक मसाला भी नहीं लगेगा। कि जार को धोकर देखिए हम पानी डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों 1/2 चम्मच हम नमक और डाल रहे हैं और नमक हम राजमा को उबलने में भी दिए हैं, इसलिए आप अपने आवश्यकता के अनुसार डालिएगा। और इस मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। देखिए दोस्तों सीटी निकल गया है, कुकर के ढक्कन को हम खोल दिए हैं और देखिए राजमा एकदम, देखिए आपको हाथ से दिखा रहे हैं, देखिए एकदम पूरी तरह से उबल चुका है। देखिए दोस्तों मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया, देखिए मसाला से तेल अलग होने लग गया है। देखिए इस राजमा में जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं। देखिए दोस्तों मसाला भुना गया है, अब हम इसमें राजमा को डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें और हम पानी डाल रहे हैं, अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर देंगे। ऐसे हम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। देखिए दोस्तों राजमा को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाले हैं, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए ग्रेवी गढ़ा भी हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे दोस्तों और इसे हम सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों राजमा का सब्जी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिए हैं दोस्तों। आप इसे रोटी पूरी पराठा या चावल के साथ खाइए दोस्तों। आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से राजमा का सब्जी ढाबा स्टाइल बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार भी देखने का कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से हम बनाते हैं दोस्तों और हमें भी लगता है कि मेरा भी वीडियो पर व्यू पड़े
दोस्तों मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा कि मेरे द्वारा बताया गया रेसिपी कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।